पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल, थैंक यू फॉर कमिंग बैक। आज का व्लॉग काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि इस वक्त मैं एयरपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ और अभी हम अमेरिका जा रहे हैं। इस वक्त शाम के 6:30 बज रहे हैं, इफ्तार आधे घंटे में और हमारी फ़्लाइट 8:30 बजे है। हम इस्लामाबाद से निकलेंगे और हमने पहले जाना है अबू धाबी। अभी इफ्तार में 5 मिनट रह गए हैं, सामान सारा बुक हो गया था, अभी हम अजान व्लॉगिंग ब्रो। हाँ तो मैं कह रहा था अभी सामान सारा बुक हो गया है, अभी 5 मिनट में अजान होने वाली है इफ्तार के लिए, इफ्तार करेंगे और उसके बाद अबू धाबी। Hours later. Acha. Dom. Acha. अभी अभी हम अबू धाबी पहुंच गए, मेरे 4 घंटे आपके 10 सेकंड थे, मैं 8:30 बजे निकला था इस्लामाबाद से और अभी भी हम 12 बजे पहुंच गए हैं अबू धाबी। मैं पूरे 4 घंटे के सफ़र में मैं प्लेन पे सो रहा था, क्योंकि मैं कल रात सिर्फ 2 घंटे सोया हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कल तुम सिर्फ 2 घंटे क्यों सोए थे हमला, मैं बताता हूँ क्यों। पिछले 3 दिनों में मैंने 2 वीडियो शूट किए हैं और 2 वीडियोज़ एडिट किए हैं, मतलब कल मैं पूरा दिन ब्लॉग फिल्म कर रहा था और रात को आगे पूरी रात में ब्लॉग एडिट कर रहा था, ताकि मैं कल एज एन आप लोगों के दर्जे को अपलोड कर सकूँ। मतलब कि योर बॉय वाज डेड। अभी हम यहाँ पे 1.5 घंटे के लिए, उसके बाद हमें एम्स्टरडैम जाना है। एम्स्टरडैम का सफ़र यहाँ से 6 घंटों का है, उसमें इंशाल्लाह मैं थोड़ी बहुत ये ब्लॉग एडिट करना शुरू कर दूँगा और इसके साथ साथ थोड़ा और सो भी लूँगा। तो चलें, आप लोगों को लगा था कि मैं इसको छोड़ के जाऊँगा पाकिस्तान में, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे साथ जाती है। प्लेन की टिकट थोड़े महंगे थे तो उसको मैं ज़रा सूटकेस में स्मगल करके लेके आ रहा हूँ। दुआ करें कि सिक्योरिटी चेक में इसको पकड़ा ना जाए। 6 घंटे का सफ़र है तो इसको इस तरह तो नहीं छोड़ सकते। रहे होंगे तेरे लाख दीवाने रे, मेरे जैसा नहीं एक जमाने में, कोई आके इस डीट को समझा दे, जब नचे इस बीट पे तो हाय। ए मुझको आराम आता नहीं, बस एक ही दुआ है तेरे बिन जीना नहीं, ओ जिंदगी में अब हलचल बस तेरी कमी थी, तेरे बिन जीना नहीं। आप लोगों को बिजनेस क्लास दिखाने वाले तो बहुत यूट्यूबर्स हैं, मैं पहला बंदा जो आप लोगों को इकोनॉमी दिखाएगा। अच्छा अभी 5 घंटे हो गए प्लेन में, 2 घंटे रह गए और अभी अभी मैं वॉशरूम में खड़ा हुआ हूँ और मैंने आप लोगों को एक चीज़ दिखानी थी। तड़पाओ कभी अकेले में मिलने आओ, फिर दिल की तो तार बजाओ, थोड़ा जंगली तो हो के दिखाओ, तेरे पीछे पीछे जितने। अच्छा तो अब हम एम्स्टरडैम पहुंच गए, यहाँ पे हमारा 2 घंटों का स्टे है। पिछले पूरे फ्लाइट में मैं सोया हुआ था, बस मैं थोड़ी देर के लिए उठा था जिसमें वो क्लिप शूट किया था। अब हम इस एयरपोर्ट में 2 घंटों के लिए, ये आखिरी स्टॉप है हमारी। मैं इस वक्त सफ़र से बहुत ज़्यादा तंग आ गया हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना सफ़र सफ़र ही होता है।
यार मुझे वैसे तो प्लेन पे बिल्कुल भी कभी नींद नहीं आती, लेकिन आज ऐसे नींद आ रही जैसे मैं ज़िंदगी में कभी सोया ही नहीं हूँ। और आज से मैं उन तमाम ब्लॉगर्स को इतनी इज्जत देता हूँ जो ब्लॉग करते हैं एयरपोर्ट्स में, क्योंकि इस वक्त कोई 150 लोग मुझे देख रहे हैं और मैं चुपचाप कैमरा पकड़ के, चुपचाप तो खैर नहीं, और मैं कैमरा पकड़ के ब्लॉग कर रहा हूँ। सो रिस्पेक्ट। अभी अभी प्लेन लैंड होने वाली है, आखिरकार फाइनली हम पहुंचने वाले हैं। जाने से पहले मैंने एक चीज़ करना है जो मैं छोड़ नहीं सकता। अच्छा, मुझे 25 घंटे हुए हैं इस्लामाबाद छोड़े हुए। अब मुझे पता है इस वक्त आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड होंगे कि मैं यहाँ आया क्यों, कितने अरसे के लिए आया हूँ, वापस कब जा रहा हूँ, व्लॉग्स किस तरह के बनेंगे यहाँ पे और ये सीन क्या है। अगले व्लॉग में मैं सब कुछ समझा दूँगा। तो अगर आप नए आए इस चैनल पे, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दें, उसी के साथ बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी दबा दें, इस वीडियो को लाइक कर दें एंड स्टे पोस्टेड, क्योंकि मैं अगले व्लॉग में सब कुछ समझा दूँगा और फ्यूचर व्लॉग्स बहुत मज़े के होंगे इंशाल्लाह। तो बस इस व्लॉग के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गिव दिस वीडियो थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू न्यू, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। दिस वीडियो इज पोस्टेड नोटिफिकेशन शाउट आउट टू उमर सुहेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग उमर। इंशाल्लाह वाकई एक दिन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़ और शुक्रिया।